एक क्वेश्चन है कि इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो प्रूव करना है कि प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन टू पावर एन साइन टू एक्स टू पावर हाफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का वाई एन डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का वाई एन डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो मान लो कि अभी हम सपोज कर रहे हैं कि वाई इक्वल टू इसका साइन एक्स का हम देख रहे हैं एन एक्स डिफरेंशिएशन, तो इसका y1 अगर निकालेंगे y1 तो cos x हो जाएगा क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब इसको पुनः अगर हम sin में चेंज करना चाहें तो sin pi by 2 plus x लिख सकते हैं क्योंकि sin 90 plus थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। sin में इसलिए चेंज करें कि n डिग्री हमको sin में ही लाना है। अब y1 को पुनः डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये y2 हो जाएगा, आई हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस एक्स क्योंकि साइन का फिर डिफरेंशिएशन कॉस होगा। अब इस कॉस फंक्शन को पुनः हम चेंज करना चाह रहे हैं साइन में, तो ये तो हमारा एंगल हो गया, इस एंगल में अगर फिर 90 डिग्री ऐड कर दे पाई बाई टू ऐड कर दे तो साइन में आ जाएगा, तो साइन हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कि टू पाई बाई, इसमें पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ देंगे तो टू पाई बाई टू प्लस एक्स, टू टू कैंसिल भी हो सकता है लेकिन इसको जनरल वैल्यू में लाने के लिए यहां पर रखे हुए हैं। तो वाई थ्री इसी तरह से निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई बाई टू प्लस एक्स और इसको पुनः हम चेंज कर दिए साइन में, तो साइन में चेंज करेंगे तो एक फिर इसमें 90 डिग्री ऐड करना होगा यानी कि साइन पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई टू अब प्लस हो जाएगा एक्स। तो देखिए वाई वन किए तो पाई बाई टू का मल्टीपुल फिर टू पाई बाई टू फिर थ्री पाई बाई टू आ रहा है, तो उसी तरह से अगर हम वाई एन में देखें तो वाई एन में क्या हो जाएगा, वाई एन में हो जाएगा साइन के लिए साइन एन पाई बाई टू प्लस हो जाएगा एक्स। सिमिलरली कॉस का भी हम वाई एन अगर निकालेंगे सिमिलरली yn फॉर ऑफ cos x के लिए होगा तो ये हो जाएगा cos n पाई बाई टू अब प्लस हो जाएगा x। तो yn वैल्यू दोनों का निकल गया, तो अब यहां y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो yn ऑफ yn ऑफ गिवन फंक्शन, वाइएन ऑफ गिवेन फंक्शन में दोनों का एन एच निकालना होगा यानी कि इस फंक्शन में साइन एक्स का वाई एन वैल्यू क्या है और कॉस एक्स का वाई एन वैल्यू क्या है, ये दोनों उसमें पुट कर देंगे। तो साइन एक्स का वाई एन वैल्यू है साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स और इसका है कॉस एन पाई बाई टू प्लस हो गया एक्स, कितना हो गया। अब ये वाई एन वैल्यू इसका निकल गया इस फंक्शन का। अब देखो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वन बाई टू वन बाई टू पावर में डिग्री में, तो डिग्री तो यहाँ किसी का वन बाई टू नहीं है, तो अपने मन से अगर इसमें हम वाई एन इक्वल टू ये लिख दें कि साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स इतना पर क्या है का हॉल स्क्वायर हम करते हैं और इस पर पावर अपने मन से हम वन बाई टू दे दी, तो इससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हमको प्रूफ करना था कि पावर हाफ होना चाहिए, तो स्क्वायर कर दिए और रूट दे दिए तो इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई एन इक्वल टू और क्या हो जाएगा कि देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, इसको अगर हम a मान लें इसको b मान लें तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पर टूट जाएगा, तो a हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर n पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर n पाई बाई टू प्लस एक्स अब प्लस हो जाएगा टू साइन n पाई बाई टू प्लस एक्स इन टू कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स और होल पर पावर हो जाएगा। अब देखिए कि इसको अगर हम थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना का इक्वल होता है, तो वन का इक्वल होता है, तो इसको वन रख दिए। और इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो टू साइन थीटा इंटू अगर कॉस थीटा है तो ये होता है साइन टू थीटा। तो इसको हम लोग वन प्लस लिख सकते हैं साइन टू इंटू एन पाई बाई टू प्लस एक्स, और इस पर पावर है। तो आगे के स्टेप में हम वाई एन इक्वल टू और लिख सकते हैं वन प्लस साइन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एन पाई प्लस टू एक्स और होल टू पावर हो जाएगा हाफ। अब क्या होता है कि साइन एन पाई प्लस अगर थीटा है जनरल वैल्यू में तो ये होता है प्लस माइनस साइन थीटा। एन का वैल्यू वन देंगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, एन का वैल्यू टू देंगे तो टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू को एक साथ रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, क्योंकि साइन एन पाई में अगर एन का वैल्यू और रखते हैं तो निगेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, और एन का वैल्यू इवन रखेंगे तो टू पाई प्लस थीटा फोर पाई प्लस थीटा सारा का सारा साइन थीटा देगा, पॉजिटिव दे जाएगा। तो yn इक्वल टू इसका एक हम जनरल वैल्यू लिख सकते हैं वन प्लस माइनस कर दिए साइन टू एक्स टू पावर हाफ। तो प्लस माइनस साइन टू एक्स तो लिख दिए हुए हैं, लेकिन हमको ये क्लियर करना है कि प्लस जो आता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई में आता है और जो आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में। तो यहाँ yn इक्वल टू एक जनरल वैल्यू रख देंगे कि वन प्लस माइनस वन टू पावर एन इंटू साइन टू एक्स टू पावर हो जाएगा हाफ, यही प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ कि एन का वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन टू एक्स, एन का वैल्यू अगर हम टू रखते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इवन वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव साइन देगा और ऑड वैल्यू जाएगा तो निगेटिव साइन देगा, इसीलिए इसको माइनस प्लस माइनस नहीं लिखकर माइनस वन टू पावर एन लिखते हैं। अगर प्लस माइनस लिखे हैं तो यह निर्धारित नहीं हो पाता है कि ऑड फंक्शन के लिए पॉजिटिव है कि इवन फंक्शन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर हमको मालूम हो जाएगा कि ऑड देंगे तो निगेटिव साइन आएगा और इवन देंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यही प्रूफ करना था। फिर दूसरे क्लास में करेंगे, आगे यही जाऊँ।